यूपीएससी की परीक्षा इकलौती ऐसी परीक्षा है जिसके लिए हमारे देश की लाखों अभ्यर्थी तैयारी करते हैं और ये सपना देखते हैं कि किसी भी तरह बस उन्हें इस परीक्षा को पास करके सिविल सेवा में जाने का मौका मिल जाए। बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे भी होते हैं जो अपने घर परिवार से दूर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा दिन पर दिन सपनों का कारोबार बनती जा रही है। और अगर देखा जाए तो सच में यूपीएससी की दुनिया में विभिन्न रोजगार और कारोबार बहुत बड़ा हिस्सा है। आइए आज की वीडियो में इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। जब एक यूपीएससी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी के लिए अपने घर से दूर दिल्ली आता है तो सबसे पहले वो क्या ढूंढता है? एक ऐसी जगह जहां वो रह सके, सही कहा ना? अब अगर मुखर्जी नगर में या ओल्ड राजेंद्र नगर की तरफ नजर घुमाकर देखा जाए तो शायद पूरी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पीजी वहीं पर है, जहां हर साल काफी मात्रा में अभ्यर्थी रहने के लिए आते हैं। और अगर पीजी को हटाकर रेंट के घरों की बात की जाए तो यहां पर उसकी भी भरमार है। आप ये मान लीजिए कि अगर आप वहां किसी भी घर का दरवाजा खटखटाकर रेंट के लिए पूछेंगे तो आप निराश नहीं लौटेंगे, आपको वहां रहने की जगह मिल ही जाएगी। बहुत से लोग यहां पर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने घरों को पूरी तरह से पीजी बनाकर रेंट पर चढ़ा दिया है और खुद किसी और जगह पर जाकर रहते हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्पिरेंट्स तो यूपीएससी की तैयारी के लिए वहां रहते हैं, पर वहां रह रहे लोगों ने इसको एक अच्छा खासा व्यापार बना रखा है। अब इसके बाद आते हैं किताबों की दुकानों पर। क्या आप जानते हैं मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर वो जगह है जहां पर आपको हर गली के बाहर हर चौक पर किताबों की दुकानें मिलेंगी, जहां पर यूपीएससी से जुड़ी तमाम किताबें स्टडी मटेरियल्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। आप जानते हैं इसको भी अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ये काम भी काफी ज्यादा चलता है और अच्छे खासे पैसे कमा कर देता है। यहाँ पर आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पर झूठ सच बोलकर यूपीएससी का नाम जोड़कर स्प्रिंट्स को बहुत कुछ बेच दिया जाता है। इन दुकानों पर शाम के वक्त इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। अब आप खुद ही सोचिए, ये किताब वाले भी यूपीएससी की आड़ में कितने पैसे कमा रहे हैं। मुखर्जी नगर में अपने लिए सही कोचिंग को चुनते हैं तब वो अक्सर ये पाते हैं कि कोचिंग सेंटर्स के बाहर टॉपर्स की बोर्ड लगे हैं, साथ ही रैंक्स लिखे होते हैं और तो और वो यूपीएससी के लिए फेमस टीचर्स को भी दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे कोचिंग से इतने स्टूडेंट्स पास हुए और हमारे कोचिंग सेंटर में ये वाला टीचर पढ़ाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि इन कोचिंग सेंटर्स की फीस कम है, नहीं, इनकी फीस भी आसमान छूती है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक कोचिंग सेंटर के अंदर आम से ज्यादा बच्चे हैं और वो कोचिंग सेंटर दिन में कितनी क्लास लेता होगा, जिसके लिए वो पैसे भी भरपूर लेता है, तो वो दिन में कितना कमाते होंगे? दोस्तों आपको बता दें, एक आर्टिकल में ये बताया गया है कि एक आईएएस ऑफिसर से ज्यादा एक कोचिंग सेंटर और वहां पर पढ़ा रहे टीचर्स कमाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जिस जगह पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स आईएएस आईपीएस बनने जाते हैं उस जगह पर वो आने वाले साल में जितना कमाएंगे उससे कई गुना ज्यादा देकर आते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो यूपीएससी सपनों का कारोबार बन गया है। आईएएस बनना है तो ये किताब पढ़ो, यहाँ से कोचिंग लो और घर से दूर दिल्ली जाओ क्योंकि वहां पर अच्छी तैयारी होती है। पता है दोस्तों, यूपीएससी का ना एक मात्र और बड़ा सिंपल सा रूल है कि आप फोकस के साथ पढ़ाई करो और इससे आप कहीं भी कर सकते हो। दिल्ली या दिल्ली जैसे और महंगे शहरों में जाओ, महंगी कोचिंग लो, तभी आप आईएएस आईपीएस बनोगे। अगर आपके मन में जज्बा है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन पदों को जरूर पा सकते हैं।